हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक का एक ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली जिसको हम निकोजन फैमिली भी कह सकते हैं और पी ब्लॉक का ये जो पार्ट है ये ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी का पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट है तो जैसे हम देखते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम पी ब्लॉक को फ, फ, फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ सॉरी यहां पर हम थर्ड बी थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए ए इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है ये ग्रुप थे थर्टीन टू एटीन इसमें से ग्रुप नंबर फिफ्टीन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से ये पहले इनके बारे में देख लेते हैं तो ये ग्रुप जो है इनको निकोजन फैमिली भी बोलते हैं निकट्रोजन फैमिली यानी इसका मतलब होता है एयर फॉर्मिंग फैमिली या कुछ है इसका मीनिंग पॉइजनस एलिमेंट्स के नाम से भी आपको मिल जाएगा चलिए देखें निकोजन फैमिली और ये कौन कौन से हैं इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ एंड एक और जो कंपाउंड है जो हंड्रेड से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर होता है जिनके हम अलग से आई यू पी एस नेमिंग करते हैं दैट इज यू यू पी यू यू पी इस तरह से तो यहां पर हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये लास्ट वाला जो है ये रेडियो एक्टिव है इसके हम स्टडी नहीं करेंगे हम स्टडी केवल बिस्मित तक की ही करेंगे चले देखें इसमें सबसे पहले देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो जैसा हम जानते हैं ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी और एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर होगा सबसे बड़ा होगा बिस्मिथ देन एंटीमनी आर्सेनिक फास्फोरस और स्मॉलेस्ट होगा नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एंथेल्पी और दोस्तों आयोनाइजेशन एंथेल्पी के बारे में हम देख चुके हैं कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथेल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है साइज इंक्रीज होने की वजह से यहां पर अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनथेलपी का जो ऑर्डर होगा यहां पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और लास्ट में एंटीमनी और बिस्मिथ में ये ऑलमोस्ट सेम हो जाती है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है नेक्स्ट देखें इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जैसे नाइट्रोजन इज ए गैस केवल एक नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन फैमिली में गैस है इसके अलावा रेस्ट ऑल आर सॉलिड नाइट्रोजन इज गैस विच ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड नेक्स्ट नाइट्रोजन इज ए डाई एटोमिक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है डाई एटोमिक एन की फॉर्म में रहेगा मोलिक्यूल विद वेरी लार्ज बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है ट्रिपल बॉन्ड होता है बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है द बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे गैस से हम सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो जब गैस से सॉलिड में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा तो यहां पर हम देखें द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप बट बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा बट मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक पर मैक्सिमम होगा और आफ्टर आर्सेनिक ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है पैकिंग एफिशिएंसी या क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट सिक्स पॉइंट द ओनली नाइट्रोजन इन दिस ग्रुप इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई पी पाई बॉन्डिंग पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स तो केवल नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी बनाता है बट वो विद ऑक्सीजन बनाता है लेकिन phosphorus, phosphorus में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा साइज इंक्रीज हो जाती है तो साइज इंक्रीज होने से वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई डी पाई बॉन्ड तो ये डी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट इज एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपी एलोट्रोपिज्म का मतलब होता है एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में या डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता हो यहां पर हम देखें नाइट्रोजन तो नहीं होता बट बट इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में फॉस्फोरस आर्सेनिक ये सब के सब एलोट्रोपी शो करेंगे एलोट्रोपिज्म शो करेंगे इनके एलोट्रोप्स हमें मिलेंगे नेक्स्ट सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है साइज बहुत स्मॉल होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन की स्मॉल साइज होने की वजह से जो लॉन्डपेयर लॉन्ग पेयर में रिपल्शन होने लग जाता है और लॉन्डपेयर लॉन्ग पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा बट फॉस्फोरस की साइज़ नाइट्रोजन से लार्ज होती है ऐसे में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी रिपल्शन डिक्रीज होने की वजह से नेक्स्ट पॉइंट नंबर नाइन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर फोर एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है कोवेल वैसे नॉर्मल वैलेंसी तो थ्री होती है बट अमोनियम आयन या एच एन ओ थ्री की अगर बात करते हैं तो यहां नाइट्रोजन वैलेंसी फोर तक अप अपू फोर शो कर सकता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है सिक्स तक अपनी कोवेलेंस शो कर सकता है इसका एक एग्जाम्पल हमने देख रखा है PCL6 ये एक पीसीएलपल हमने देख भी रखा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री प्लस थ्री एंड प्लस फाइव लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री एंड हाइएस्ट इज प्लस फाइव यह ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी लेकिन जैसा हमने कार्बन जैसा हमने कार्बन और बोरोन फैमिली में देख रखा है एक इफेक्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसमें जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो एनएस टू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है ऐसा होने से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती हैं तो देखें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट

ओनली वेल कैरेक्टराइज बिस्मिथ बी आई प्लस फाइव कंपाउंड इज बी आई एफ फाइव बिस्मित का फ्लोरिन के साथ ही प्लस फाइव में कंपाउंड है इसके अलावा जितने भी बिस्मिथ के कंपाउंड होते हैं दीज आर ऑल दीज ऑल आर एग्जिस्ट इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यह था पॉइंट नंबर ट्वेल्व नॉइंट नंबर थर्टींथ थर्टींथ पॉइंट की बात करें ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी है इसमें प्लस वन टू प्लस फोर ऑफ फॉर नाइट्रोजन टेंस टू डिस प्रोपोर्सनेट इन एसिडिक सोल्यूशन अगर किसी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होती है ठीक है ना लोवेस्ट माइनस थ्री होती है लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम है तो ऐसे में डिस होगा डिस का मीनिंग हम पहले देख चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट के होंगे तो यहां देखें एच एन टू जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री यह डिस्प्रपोर्शनेट होकर एच एन थ्री यानी प्लस फाइव और एनओ NO प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है डिस शो करेंगे नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर अच्छा एक चीज और ऊपर हम वापस एक चीज और बता रहे हैं आपको कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होती है बट मैक्सिमम वैलेंसी प्लस मैक्सिमम वैलेंसी फोर ही होती है वैलेंसी फोर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव इसमें कंफ्यूजन नहीं करना नाउ पॉइंट नंबर फोर्टीन एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू तो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर अपने ग्रुप में स्लाइटली डिफरेंट होता है और इसके लिए देखें सबसे पहला है स्मॉल साइज नाइट्रोजन सबसे स्मॉल होता है इस वजह से भी ये इस तरह का बिहेवियर शो करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आइनाइजेशन एंथेल्पी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते इससे अपनी वैलेंसी ये इंक्रीज नहीं कर पाता और स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आइनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्टींथ और ये फिफ्टींथ पॉइंट है हाइड्राइड्स के बारे में नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स और नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की अगर बात करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है बट अमोनिया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया मैक्सिमम हो गया देन एस बी एच थ्री ए एस एस थ्री पी थ्री मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर यहां मेटेलिक नेचर हावी हो जाएगा और बिस्मिथ जो है वो हाइएस्ट आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बिस्मिथ एंटीमनी नाइट्रोजन आर्सेनिक और फॉस्फोरस के जो हाइड्रेट्स हैं इस ऑर्डर में हो जाएंगे नेक्स्ट जो ऑर्डर है ये है बॉन्ड एनथेल्पी बॉन्ड एंथेलपी जैसे जैसे एटम की साइज इंक्रीज होती है बॉन्ड एनथेलपी डिक्रीज होगी तो नाइट्रोजन से लेकर जब हम एस बी तक जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है बॉन्ड एंथेलपी डिक्रीज होने लग जाएगी नाउ बेसिक नेचर और बेसिक नेचर जो होती है वैसे अगर हम देखें एसिडिक नेचर देखनी चाहिए अपने को हाइड्राइड्स की एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और बेसिक नेचर सॉरी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है एसिडिक नेचर हाइड्रोजन रिलीज होता है लेकिन बेसिक नेचर डिक्रीज अपोजिटिकॉइटीन है इनके ऑक्साइड्स के बारे में और नाइट्रोजन फैमिली में दो तरह के ऑक्साइड अपने को मिलेंगे टू टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे और वो ऑक्साइड्स होंगे E2O3 एंड E2O5 यानी ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड्स देखें इसमें तो ये जो ट्राई ऑक्साइड्स हैं अगर हम ट्राई ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ट्राई ऑक्साइड एसिडिक हैं आर्सेनिक और एंटीमनी इनके जो हैं ये एम्फोटेरिक हैं और बिस्मिथ का बेसिक जो मैक्सिमम कोवेलेंट हो या ये कहें मैक्सिमम आइनिक होता है वो बेसिक होता है और मैक्सिमम कोवेलेंट वाला एसिडिक पॉइंट नंबर सेवनटीन अच्छा हमने एम टू ई टू ओ फाइव की बात नहीं की यहाँ पर जो ई टू ओ फाइव वाले होते हैं पेंटा ऑक्साइड वो सारे के सारे एसिडिक हैं इसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेवनटीन एक्सेप्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अलावा जो होते हैं रेस्ट ऑफ एलिमेंट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हेलाइट दैट इज ई एक्स थ्री एंड ई एक्स फाइव ट्राई हेलाइड एंड पेंटा बनाएंगे नाइट्रोजन केवल ट्राई बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यह अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर, कर सकेगा नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड ड्यू टू एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दैट्स वाई एन एन सी एल थ्री इज एन थ्री एग्जिस्ट करता है NCl5 फाइव एग्जिस्ट नहीं करता PCl5 फाइव एग्जिस्ट कर लेता है ट्राई हेलाइड नाइट्रोजन के अगर हम बात करते हैं तो जो मोस्ट स्टेबल है वो है एन एफ थ्री नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड नाउ एटीन एंड एटीन पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन अब हम नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड्स बना रहे हैं और सबसे पहला कंपाउंड उसमें एन टू ले रहे हैं डाई नाइट्रोजन एन टू एन टू को बनाने के लिए हम थ्री मेथड्स यूज कर रहे हैं फर्स्ट मेथड है जिसमें अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम, हम ए, सोडियम नाइट्राइड से करते हैं एन ए एन एस फोर सी एल और एन ए एन ओ टू जिसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी नेक्स्ट मेथड है अमोनियम क्रोमेट और अमोनियम क्रोमेट को जब हीट करते हैं तो यहां इससे भी हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा और सबसे बेस्ट मेथड जो होता है प्योरेस्ट नाइट्रोजन का वो है बेरियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड जो है ये नाइट्रोजन जो है वेरी प्योर प्योर फॉर्म में बनाता है नाइट्रोजन तो प्योर फॉर्म में अगर अपने को बनाना है बेरियम नाइट्राइड से बनाएंगे पॉइंट नंबर 19 और 19 जो है ये है नाइट्रोजन जब कंबाइंड होता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब नाइट्रोजन कंबाइंड होता है तो इसको हम एक नाम देते हैं और ये जो है इसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसको हम कैल्शियम साइनाइड और कार्बन ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं नाउ यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम प्रिजर्वेशन में करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल एंड इन क्रायो सर्जरी में इसका यूज करते हैं और जो नाम है इसमें लिक्विड नाइट्रोजन इसमें हम बहुत सारे बायोलॉजिकल जैसे स्पर्म को भी इसमें हम सेव करते हैं या प्रिजर्व करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया को अब हम नाइट्रोजन के बाद अमोनिया को प्रिपेयर कर रहे हैं और अमोनिया का प्रिपरेशन हम यूरिया से भी कर सकते हैं यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से अमोनियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम कार्बोनेट जो है अमोनिया एच टू और CO2 टू में ब्रेक हो जाएगा अमोनिया बन जाएगा नेक्स्ट मेथड है अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इससे हमें अमोनिया मिल जाएगा और एक बहुत ही फेमस प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड जिसको बोलते हैं दैट इज हैबर प्रोसेस और हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन हम कराते हैं और इसमें ये कैटलिस्ट हम इसमें यूज करते हैं एफ ई मोलिब्लैटिन ये सब इसमें यूज करते हैं और अमोनिया बन जाएगा नाउ पॉइंट नंबर ट्वेंटी टू अमोनिया बिहेव एज लेविस बेस अमोनिया लॉनपेयर होने की वजह से लॉनपेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से लेविस बेसिक नेचर शो करेगा नेक्स्ट इज कॉपर इसमें एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कॉपर प्लस टू जो होता है सी यू प्लस टू जब इसको अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो अमोनिएटेड सोल्यूशन बनता है जो डीप ब्लू कलर का होगा और ये जो डीप ब्लू कलर आता है ये अमोनियम अमोनिएटेड आयन की वजह से आएगा अगर हम एजीसीएल को अमोनिया में डिजोल्व कर दें तो ये जो एजीसीएल uh, का व्हाइट पीपीटी है ये एजीसीएलिक्र अमोनिक जो है अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड इसका ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड नेक्स्ट देखें इसके बाद में पॉइंट नंबर ट्वेंटी थ्री और है, ये है, nitrogen, एक एक करके हम सभी ऑक्साइड्स को देखते हैं सबसे पहला ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन एन नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन और इसको प्रिपेयर करते हैं अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और यह कलरलेस गैस है न्यूट्रल है कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल नाउ सेकेंड वन इज नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है फॉर्मेशन का मेथड जो है ये अमोनियम नाइट्रेट फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट और एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्शन से हमें एफी फेरिक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट एच टू ओ और नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड मिलेगा ये, ये भी एक कलरलेस गैस है और ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल नेक्स्ट वन इज डाइनाइट्रोजन ट्राइ ऑक्साइड एन टू ओ थ्री एन टू ओ थ्री और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है और ये जो एन टू ओ थ्री है इसको एच एन ओ टू का हम एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड और इसको बनाने का प्रोसेस है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एन टू ओ फोर के साथ रिएक्शन कराएंगे ब्लू सॉलिड होता है एसिडिक मीडियम ये एसिडिक होता है एन टू ओ थ्री नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ टू एनओ टू जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर होती है और प्लस फोर है ये HNO3 H2SO4 का के कॉम्बिनेशन का एनहाइड्रेट कह सकते हैं इसको हम प्रिपरेशन का मेथड लेड नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट जो है इसको हीट करते हैं तो ये एनओ टू और पीबीओ में कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन गैस होगा एसिडिक फॉर्म होगा एसिडिक मोर देन थ्री और मोर देन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक ही होंगे नेक्स्ट वन इज एन टू ओ फोर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन प्लस फोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनओ टू जो है इसको जब हम कूल cool करते हैं तो एन टू ओ फोर में कन्वर्ट हो जाएगा एन टू ओ फोर को जब हम हीट करेंगे तो एनओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस है सॉलिड है और लिक्विड सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म में रहेगा एसिडिक है प्लस है तो एसिडिक होगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड एन टू ओ फाइव और एन टू ओ फाइव जो होता है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एन टू ओ फाइव को हम एच एन ओ थ्री का नाइट्रिक ऑक्साइड का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब पी टू ओ फाइव से या पी फोर ओ टेन से कराते हैं तो यह इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और डिहाइड्रेशन के बाद ये N2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस होता है सॉलिड होगा और एसिडिक होगा नाउ पॉइंट नंबर 24 पॉइंट नंबर 24 प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रिपरेशन करनी है

जो सेकेंड स्टेप में वापस यूज हो जाएगा और यहां हमें एच एन ओ थ्री मिल जाएगा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस मेथड जो है मेथड का नाम है प्लेटिनम या आर एच जो है ये कैटलिस्ट का, का काम करेंगे पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अटैक ऑन मोस्ट मेटल्स जितने मेटल्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सब पर ये अटैक करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज प्लेटिनम एंड ए तो गोल्ड एंड प्लेटिनम पर ये एच का डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता बाकी सब पर हो जाता है जैसे कॉपर की बात करें कॉपर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करेगा अगर हम डाइल्यूट एच से रिएक्शन कराते हैं तो इससे कॉपर नाइट्रेट बनता है साथ में एनो गैस बनेगी लेकिन यही कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं तो एनो की बजाय एनओ बन जाएगा डाइल्यूट में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कंसंट्रेटेड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाउ पॉइंट नंबर 26 ब्राउन रिंग टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है जब ए नाइट्रेट आयन जो होता है ये एफ प्लस टू से रिएक्शन करे एसिडिक मीडियम में तो ये बन जाएगा यहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा एफ का एफ में फेरस से फेरिक बन जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है ये हाइड्रेटेड फेरस आयन से रिएक्शन करके और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है कि यहां ये जो एनो NO ग्रुप होता है ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एनो NO. ये एनो NO जो है ये इस तरह से तो ये है ब्राउन रिंग टेस्ट और ब्राउन रिंग टेस्ट में अगर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट इसके बाद ट्वेंटी सेवन पॉइंट नंबर ट्वेंटी सेवन अब फॉस्फोरस की बात करते हैं अभी तक हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे अब सेकेंड एलिमेंट फॉस्फोरस पर आते हैं फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रोप बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं तीन इसके मेन एलोट्रोप हैं वाइट रेड एंड ब्लैक वाइट रेड ब्लैक तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है लेस स्टेबल होता है एंड देयर आफ्टर मोर रिएक्टिव जो लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जैसे ही इन द ऑर्डर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन तो ये नॉर्मल कंडी इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा सॉलिड स्टेट में होगा बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा इस तरह से ये 60 डिग्री है पॉइजनस होता है सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्यूबल होगा और डार्क में ग्लो करेगा इसीलिए इसका नाम है वाइट फास्फोरस ग्लो करता है डार्क में 60 डिग्री एंगल पी की कंडीशन में पी से इसको हम डिनोट करेंगे रेड फॉस्फोरस को ट्राईवेलेंट होगा ये नाउ नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस में बॉन्डिंग होने लग जाएगी और इस तरह से ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाएगी एक चैन बन जाएगी लीनियर चैन नॉन पॉइजनस होता है सी एस टू में इंसोल्यूबल होगा पॉलीमेरिक होगा लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस अगर हम इस रेड फॉस्फोरस को भी हीट कर दे तो यह ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और जो एल्फा बीटा शीटेड के फॉर्म में एल्फा बीटा शीट के फॉर्म में ये आ जाएगा इसमें एक और वैलेंसी मिडल वाली फ्री हो जाएगी और ये अदर फॉस्फोरस के साथ में कनेक्ट होने लग जाएंगे थ्री डायमेंशनल की तरह मतलब इसमें और फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बन जाएंगे ठीक है तो ये इस तरह से ऐसे याद रख सकते हैं हम वाइट वाइट को जब हम जलाते हैं बर्न करते हैं गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाता है पहले और ज़्यादा ही गर्म कर देते हैं तो ब्लैक वाइट गर्म किया रेड रेड गर्म किया ब्लैक इस तरह से पॉइंट नंबर ट्वेंटी एट प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन फॉस्फिन होता है पी एच थ्री फॉस्फिन और फॉस्फिन को प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ इसको वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं फॉस्फीन बन जाएगा या फिर जो व्हाइट फॉस्फोरस था इसकी बेस एन कास्टिक सोडा और एच से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी फॉस्फिन बन जाएगा अब ये फॉस्फिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फॉस्फिन का चलिए देखें पहले इसके बाद देखें इसके अंदर यूज जो है फॉस्फिन का कि फॉस्फिन बिकम इनफ्लामेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी टू ओ फाइव P2.5 की प्रेजेंस में ये इनफ्लामेबल हो जाता है P2.5 टू फाइव एंड सॉरी पी एंड पी वेपर्स की फॉर्म में पी और पी वेपर्स की प्रेजेंस में ये इनफ्लामेबल हो जाता है और स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कम्बेशन ऑफ फॉस्पिन इज टेक्निकली यूज एज सिग्नल हॉल सिग्नल जो होते हैं जो जनरली सी जो रूट होते हैं समुद्र के जो रास्ते होते हैं वहाँ यूज करते हैं सिग्नल टेक्निकली इसका यूज है ही प्रिपरेशन ऑफ पी सी एल फाइव पॉइंट नंबर थर्टी प्रिपरेशन ऑफ पी सी एल फाइव फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड जब व्हाइट फॉस्फोरस का क्लोरीनेशन कराते हैं एक्सिस ऑफ क्लोरिन में तो इसमें पी सी एल फाइव बनेगा और पी फोर के साथ जब एसो टू सी एल टू के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फर एसओ टू सल्फुरल क्लोराइड तो इसमें भी पी सी एल फाइव बन जाएंगे और दोस्तों पी सी एल फाइव जो होता है ये सॉलिड स्टेट में आइनिक फॉर्म में रहता है फॉर्म में PCL4 plus और ऑक्साइड्स की, की बात करते हैं तो ऑक्साइड एसिड सॉरी ऑक्सी एसिड जिसमें हम ऑक्साइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो जो एसिड मिलेगा ऑक्सी एसिड में सबसे पहले एच थ्री पीओ टू हाइपो फॉस्फोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी और यहां पर वन फॉस्फोरस हाइड्रोजन ओ एच बॉन्ड टू फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड वन पी ओ एच टू पी एच और वन पी ओ बॉन्ड व्हाइट फॉस्फोरस और एल्कली के साथ रिएक्शन से ये बन जाएगा नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस एसिड जिसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हैं H3PO2, थ्री पी ओ टू थ्री पी ओ थ्री प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर टू पी ओ एच बॉन्ड आएंगे अच्छा जितने पी ओ एच बॉन्ड होंगे फॉस्फोरस ओ एच उतना ही बेसिक उतना ही बेसिसिटी होगी इसकी जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी है वन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी है टू यानी टू एच प्लस रिलीज कर सकता है पी टू ओ थ्री और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस पायरोफॉस्फोरस एसिड जब दो फॉस्फोरस एसिड को गर्म करते हैं हीट करते हैं तो ये कंबाइंड हो जाते हैं और बन जाता है पायरोफॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें वही होगी जो फॉस्फोरस एसिड की होगी दैट मीन्स प्लस यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री रहेगी यहां पर टू पी ओ एच बोंड होंगे टू पी एच टू पी ओ बोंड और पी सी एल थ्री का रिएक्शन जब हम कराते हैं H3PO3 से तो ये बन जाएगा नेक्स्ट वन इज हाइपो एसिड हाइपोफोस्फोरिक एच थ्री एस फोर पी टू ओ सिक्स एस फोर पी टू ओ सिक्स प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और इसमें हम देखें फोर पी ओ एच बोंड होंगे टू पी ओ बोंड होंगे एंड वन पी पी बोंड होगा रेड फॉस्फोरस की एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे ये बन जाएगा नेक्स्ट वन इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होगी फॉर्मूला इसका केमिकल फॉर्मूला एस थ्री पी ओ फोर और दोस्तों इसमें जो पी जो पी और oh एच बॉन्ड होंगे थ्री पी ओ एच यानी इसकी बेसिसिटी थ्री होगी और ये पी फोर ओ टेन जो पी फोर है एनहाइड्राइड एच टू से रिएक्शन कराएंगे तो ये एस थ्री पी ओ फोर में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पायरो एसिड और जैसा हम जानते हैं एसिड जो होगा फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन दो फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन एच फोर पी टू ओ सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो फॉस्फोरिक एसिड की थी प्लस फाइव थ्री पीओ एच बॉन्ड होंगे थ्री पीओ बॉन्ड होंगे एंड थ्री पीओपी बॉन्ड होंगे सॉरी फोर पीओ बॉन्ड होंगे टू पी ओ एंड वन पी ओ पी बॉन्ड हीट और फॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे बन जाएगा लास्ट वन इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड एच और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और इसमें थ्री पी ओ एच थ्री पी ओ बॉन्ड थ्री पी ओ पी बॉन्ड और फॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ इसको हीट करते हैं तो ये बन जाएगी तो दोस्तों ये थे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज जब एस थ्री पीओ थ्री को हीट करते हैं तो ये एस थ्री पीओ फोर और फॉस्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा ए जी थ्री की रिएक्शन जब एच थ्री पीओ टू से कराते हैं यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कराते हैं तो यहां ए जी सेपरेट हो जाएगा और एच एनओ थ्री थ्री पीओ फोर बन जाएंगे तो इस तरह से ए जी के सेपरेशन में ये मेथड हम यूज कर सकते हैं तो ये था पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फिफ्टीन नाइट्रोजन फैमिली उम्मीद करते हैं ये ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक यानी ऑक्सीजन फैमिली में